ओके स्टूडेंट दिस इज़ वीडियो नंबर थ्री वीक सेवन नाउ वी आर स्टार्टिंग सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स हम ये आर पी के आर्किटेक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं और बींग टेक्निकल स्टूडेंट्स हमें ये जानना जरूरी होता है कि किस किस्म का आर्किटेक्चर हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा अब हम बात कर रहे हैं हमने अभी uh, जो थोड़ी देर पहले हमने वेब सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर्स की बात की थी अब हम सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स की बात कर रहे हैं सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स जो होते हैं बेसिकली ये हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स की बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स होते क्या ऑब्जेक्ट औरिएटेड आर्किटेक्चर्स को आप <coughs> दो तरीक़ों से देख सकते हैं पहली तो आप ये देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हर ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट होता है बट दे आर उसका हर ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट होता है उसका अपना काम डिफाइन होता है लेकिन उस ऑब्जेक्टिव उस ऑब्जेक्ट की जो ओवरऑल इंटीग्रेशन होती है बाकियों के साथ होती है टू मीट द Uh, क्या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम सिमिलरली अगर हम सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें हमारे पास मुख्तलि सर्विसेज होती हैं ऑल दी सर्विसेज आर इंडिपेंडेंट ठीक है ये सारी सर्विसेज क्या होती हैं इंडिपेंडेंट होती हैं और ये मिलकर काम uh, तब करती है जब हमें एक कॉमन गोल चाहिए होता है मतलब ज़रूरी नहीं है कि बाकी सर्विसेज चलें तो एक सर्विस चलेगी हर सर्विस इंडिपेंडेंटली रन होती होती है इस पर हम ज़रा बाद में रोशनी डालते हैं लेकिन ज़रा हम आपको बता दें कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स हैं क्या सर्विसज़ ओरिएंटेड आर्किटेक्चर फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस हुई थी माइक्रोसॉफ्ट विंडो उसको ये कहते थे डिस्ट्रीब्यूटेड कम्पोनेट ऑब्जेक्ट मॉडल तो हमारे पास इसे हम डी कॉम कहते थे आ, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर कोई नई चीज़ नहीं है ये पहले से थी 1996 में जैसे यहाँ पर जिक्र किया हुआ इस्तेमाल हो रही थी फिर लेटर ऑन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ये इस किस्म का आर्किटेक्चर हमारे पास कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है हमारे पास ई आर पी में भी इस्तेमाल हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास सर्विस को क्या डिफ़ाइन किया हुआ है सर्विस इज़ अ फंक्शन दैट इज़ वेल डिफाइंड सेल्फ कंटेन एंड डज़ नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट और स्टेट ऑफ अदर सर्विसेज इसका मतलब ये हुआ मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ये जो हमारे पास ये डेफिनेशन है इसको थोड़ा सा हम फिर आसानी से देख लेंगे अच्छा सर्विस क्या है एक फंक्शन है जो आपको कुछ चीज़ रिटर्न कर रही है वो वेल well डिफाइंड है वो कंप्लीट है और अपने अंदर ही काम कर रही है और वो बाकियों पे डिपेंडेंट नहीं है कि बाकी की क्या स्टेट होगी तो मेरी क्या स्टेट होनी है? चाहिए या बाकियों की क्या सूरत हाल होगी तो उस सूरत हाल में मेरा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए नहीं हमारे पास जो एक सर्विस है वो एक सेल्फ कंटेंड है वो अपने अंदर काम कर रही है लेकिन ओवरऑल इसका हमारे पास कोई आउटकम आएगा जो ओवरऑल आउटकम में पार्टिसिपेट करेगा लेकिन सर्विस इज़ इंडिपेंडेंट ठीक है यहाँ पर अच्छा अब हम जरा आगे लेके चलते हैं इसे सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज होती हैं ठीक है, है? यानी हमने यहाँ पर क्या किया हमने बिजनेस टीयर को हम वहाँ पर अब पहले जो बात कर रहे थे ना हम जब हम वेब सर्विसेज की बात कर रहे थे या वेब सर्विस आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे वहाँ पर हमने वेब टीयर को डिवाइड कर दी थी यहाँ पर हमने बिजनेस टीयर को हमने स्मॉलर कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड कर दिए और हर कॉम्पोनेंट का एक इंडिपेंडेंट काम है ऑब्वियसली हमने लास्ट टाइम देखा और हमने वीक टू में भी देखा हमने वीक थ्री में भी देखा कि हमारे पास बिज़नेस फंक्शंस होते हैं हर बिजनेस फंक्शन का अपना काम है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है तो हमने उनकी छोटी छोटी क्या बना दी हैं सर्विसेज बना दी हैं एंड ईच सर्विस इज डिस्टिंक्ट ठीक है distinct, अच्छा और डेफिनेटली जब इन सर्विसेज का आउटकम आएगा जैसे हमने कहा है कि इज़ अ फंक्शन जिसका आउटकम होना चाहिए तो वो ओवरऑल हमारे पास ईआरपी का जो एक इंडिपेंडेंट फंक्शनल मॉड्यूल होगा उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो यानी हमने ये किया है कि हमने मॉड्यूल के अंदर भी डिस्टिंग सर्विसेज बनाती हैं इन सच सॉर्ट ऑफ अह सच सॉर्ट ऑफ आर्किटेक्चर को हम क्या कहते हैं सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर अच्छा जब हम बात करते हैं कि हमारे पास uh, जो बिजनेस टियर हैं, वो इंडिपेंडेंट स्मॉलर सर्विसेज में डिवाइड हो किए तो आप उसको इनकी डिवीजन किसी भी manner में कर सकते हैं लेकिन आइडियली एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए एक डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करना चाहिए जिसके तहत हम इन सर्विसेज़ को क्या कर सकें डिवाइड uh, uh, कर सकें ताकि हम इनको ये इंडिपेंडेंटली फिर इवॉल्व भी हो सकें अच्छा अब यहाँ पर एक uh, सिंपल uh, सा एक आर्किटेक्चर uh, है uh, हमारे पास सर्विस आर्किटेक्चर है इसमें सिंपल सी वही बात है कि हमारे पास रिक्वेस्ट जाएगी सर्विस की और हमारे पास जो हमारा प्रोवाइडर होगा वो हमें उसका रिप्लाई देगा सो इन इन अ वे हमारे पास यहाँ पर क्या है हम सर्विसेज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे पास सर्विसेज का रिप्लाई आ रहा है ये हमारे पास कंज्यूमर साइड है ये हमारे पास प्रोवाइडर साइड है अच्छा अब बहुत सारी चीज़ें ना ओवर लिंक करती हैं या ओवर लैब करती हैं अब जैसे आप यहाँ पर कहेंगे जी ये तो चीज़ हमारे पास वेब में भी हो रही थी लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ों में डिफरेंस आ रहा है ठीक हो गया जी हमारे पास जो आ, आ, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है इसके पास हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज होनी चाहिए डिस्क्रिप्शन uh, लैंग्वेज का मतलब ये है कि जिसमें हम एक सर्विस को क्या कर सकें डिफ़ाइन कर सकें उसके फंक्शंस को हम डिफाइन कर सकें सिमिलरली जो भी रिक्वेस्ट होगी किसी भी सर्विस से वो इंडिपेंडेंट होगी वो इंटरेक्शन जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी यानी एक, एक, एक स्पेसिफिक सर्विस की यानी फंक्शन की रिक्वेस्ट जो हम बिजनेस फंक्शन जैसे कह रहे हैं उसकी रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंट होगी औ या इंडिपेंडेंट इंटरकनेक्शन प्रोटोकॉल ठीक है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी उनके डिफाइंड होंगे जिस किस्म की सर्विस होगी फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ अगर हमने कनेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है तो उसमें हम टी यूज़ करेंगे अगर हमने आ, हमारे पास ऐसी कोई सर्विस हम यूज़ करें जिसमें हमने डिले हमें नहीं चाहिए तो वम यू डी यूज़ करेंगे तो सर जस्ट गिव यू न आइडिया कि इवन जब इंटरेक्शन होगी बिटवीन बिटवीन द क्लाइंट स्पेसिफ़िक सर्विस तो वो इंडिपेंडेंट होगी और उसमें जो इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो भी हमारे पास क्या होंगे इंडिपेंडेंट होंगे यानी डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स भी उसमें सेपरेटली यूज़ हो सकेंगे अच्छा यहाँ पर एक और भी इम्पॉर्टेंट uh, चीज़ है क्योंकि हमारे पास सर्विसेज जो हैं इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम तो वहाँ पर हमारे पास जो अगर कंज्यूमर uh, है या यूज़र uh, जो है वो किसी भी डिवाइस से आ, सर्विस की रिक्वेस्ट करे तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ठीक है ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है अच्छा अच्छा, अच्छा अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है क्या वेब सर्विस इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर ठीक है तो ये वेब सर्विस को भी थोड़ा सा हमने ये देखना है क्योंकि हमारे पास जो वेब सर्विस है वो एक एप्लीकेशन है इस चीज़ की ठीक है तो ये थोड़ी सी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास जो वेब सर्विस होती है वो ज़्यादा सोप या एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज वगैरह यूज़ करते हैं ठीक है तो इसमें ये आपको पता होना चाहिए कि वेब सर्विस जो है एप्लीकेशन है किसकी सॉफ्टवेयर सॉरी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर की यहाँ पर वही बात की गई है कि कैसे कंज्यूमर जो है वो रिक्वेस्ट करता है सर्विस की इंडिपेंडेंटली और प्रोवाइडर उसे कैसे रिप्लाई करता है जो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है वो हमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज देता है जिसमें बेसिकली एक सबसे एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है हमारा वो हमारे पास नज़र नहीं आता टेक्नोलॉजी नज़र नहीं आती यूज़र को सिंपल वो रिक्वेस्ट करता है और उसको रिस्पॉन्स मिलता है ठीक हो गया और फर्दर मोर ये आपके डेवलपर को एक एजाइल मेथडोलॉजी भी प्रोवाइड करता है कि जिसकी वजह से आपकी डेवलपमेंट काफ़ी रैपिड होती है उसकी रीज़न मैं आपको बता दूँ उसकी रीज़न ये क्योंकि हर सर्विस क्या है इंडिपेंडेंट है उसकी जो इंटर कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग प्रोटोकॉल हैं वो भी इंडिपेंडेंट हैं तो अगर एक सर्विस पर आप काम करते हैं तो बाकी सर्विसेज क्या हैं आपकी चलती रहती हैं इसमें एक न्यू कॉन्सर्प्ट भी आ रहा है जो अभी रिसेंटली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मार्केट में भी इंट्रोड्यूस हुआ है पाकिस्तान में हुआ है ऑल दो थोड़ा सा पहले आउटर uh, वर्ल्ड में था माइक्रो सर्विसेज का तो बेसिकली ये बेसिकली उसी साइड पे हम जा रहे हैं कि हमारे पास सर्विसेज क्या हैं सर्विसेज के अंदर सर्विसेज भी इंडिपेंडेंट अब होती जा रही हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है एजिलिटी देता है बिजनेस uh, में आप नए नए फंक्शंस डाल सकते हैं बड़ी आसानी से आ, आपको पूरा अपना जो सिस्टम है उसे क्या करना नहीं पड़ता उसे आपको आ, क्या कह सकते हैं उसे आपको रोकना नहीं पड़ता किसी नए मॉड्यूल को या किसी नई सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए ठीक हो गया जी बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स क्या हैं ठीक है जी ये हम ज़रा देख लेते हैं और uh, Uh, बेहतर होगा कि हम इसे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करें तो थैंक यू सो मच यहाँ पर हम अपनी वीडियो नंबर थ्री एंड uh, कर रहे हैं और फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी जो हमारी फोर्थ वीडियो होगी दैट विल बी द लास्ट वीडियो उसमें फ़र्स्ट हम बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स देखेंगे और फिर हम क्लाउड uh, कंप्यूटिंग और अप्लीकेशन टू द मैनेजमेंट देखेंगे थैंक यू